नमस्कार, प्रेपरी टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। कोरोना मरीज की पहचान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम कई तरीकों से उसकी पहचान करने में लगी हुई है। आज स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने जिला अस्पताल के बाहर ही आने जाने वाले लोगों का सैंपल लिए, ताकि कोरोना की ज्यादा से ज्यादा पहचान की जाए और जो मरीज सामने आ रहे हैं उनका समय पर इलाज हो सके। देखिए आप बिल्कुल। कोरोना संक्रमितों की पहचान करने के लिए स्वास्थ्य अमला विभिन्न तरीकों से लोगों के सैंपल लेने में जुटा है, ताकि मरीजों की पहचान कर संक्रमण की रोकथाम की जा सके। इसी क्रम में जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने आने वाले लोगों के रैंडमली सैंपल ले रही है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने स्थित मुख्य द्वार पर आने जाने वाले लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल ले रही टीम के द्वारा संबंधित व्यक्तियों से नाम, मोबाइल नंबर सहित पूरी जानकारी दर्ज की जा रही है, ताकि रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे सूचना देकर क्वारंटाइन कराया जा सके। टीम ने बताया जो भी लोग कोरोना से संक्रमित पाए जाएंगे उनके उपचार की व्यवस्था भी की जाएगी। जी, मेरा नाम अभिषेक सोनी है, मैं लैब टेक्नीशियन पद पर पदस्थ हूँ। ये रोको टोको अभियान जो कलेक्टर साहब के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें जो रैंडमली लोग निकल रहे हैं, रोमिंग कर रहे हैं, तो अनावश्यक किसी को भी अपन रोक के अचानक से उनका सैंपल करा सकते हैं। देखते हैं कोई मास्क लगाए है नहीं लगाए है, उसको जो मास्क नहीं लगाए है उनको बोलते हैं मास्क लगाने के लिए भी, और उनका सैंपल रैंडमली किया जा रहा है, ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा कोविड केसेस की फाइंडिंग कर सकें। अभी हम फिलहाल, वैसे तो हमारी इम्यूनिटी है, पूरे छतरपुर में सैंपलिंग का कार्य चलता है। अभी हम आज जो इमरजेंसी का गेट है, मेन मुख्य द्वार पर जिला चिकित्सालय के बैठे हुए हैं, तो आने जाने वालों की रैंडमली चेक किया जा रहा है, उनका सैंपल लिया जा रहा है। इसकी जानकारी जो होगी वो आपके मैसेज के थ्रू उनके पास कलेक्शन की प्लस रिपोर्ट की पहुंच जाएगी। यदि कोई पॉजिटिव पेशेंट निकलता है तो उसको घर पे जाके आइसोलेट भी किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर उसकी कंडीशन स्टेबल नहीं है तो फिर उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। वैसे तो मुख्यतः छतरपुर जिला अस्पताल का ऐसा टारगेट एक अनुसार है, 220 सैंपल हम लोगों को पर डे करने होते हैं, जो फीवर क्लिनिक और MMU टीम के द्वारा किए जाते हैं। बाकी ब्लॉक्स के अनुसार अलग अलग होते हैं। पूरे छतरपुर ज़िले में 800 प्लस सैंपल्स का टारगेट है पर डे का। लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि सभी लोग मास्क लगा के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथ समय समय पर सैनिटाइज करें, धोएं उन्हें, और किसी भी संक्रमित चीज़ या संक्रमित जगह से को छूने से बचें, अपना बचाव रखें तथा दूसरों को भी बचाएं। सभी लोग वैक्सीनेशन का डोज नियमबद्ध तरीके से टाइम टू टाइम लेते रहें। अभी एक थर्ड बूस्टर डोज आ गया, उसको भी आप लें, क्योंकि बचाव ही उपाय है।